अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट रिफत मकबूल से, जहां बात होती है मेकअप की, फैशन की, ग्रूमिंग की, मेकअप प्रोडक्ट पे, उसके यूजेज पे। तो आज मैं आई होप कि आप लोग सब सही होंगे, परवरदिगार आप लोग को सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आज आप देख रहे होंगे कि मेरे पास ये बहुत सारा सामान है। ये सामान तो मेरे पास आया हुआ है जुलाई के महीने का, जब मेरी फैमिली बाहर से आई थी तो वो मेरे लिए लेकर आई थी। तो अब चूँकि मेरे साथ जो मिसहैप्स हुए थे, जिससे जिसका मैंने आपसे पहले जिक्र किया, तो इस वजह से मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन नहीं करवा पाई और इसका इसके बारे में नहीं बता पाई। तो मैंने कहा चलो आज मैं आपको इसके बारे में इसका रिव्यू डालूँ, ताकि मैं वन बाय वन इसके ऊपर आपको न्यू कॉन्टेंट बनाती रहूँ। तो ये मेरे पास मेरी भतीजी जो बाहर होती है, ये मेरे लिए वैक्स बिन लेकर आई थी, और ये बहुत अच्छे वैक्स बिन है और बहुत बहुत अच्छा इससे वर्किंग होती है और नीट एंड क्लीन वैक्स हो जाता है, बालों के रूट्स तक निकल जाते हैं इससे, और बहुत अच्छी इसकी एप्लीकेशन है। दूसरा ये कि ये मेरी भाभी, मेरी मैंने जैसे आपको बताया मेरी फैमिली बाहर रहती है, मुझे जो भी कुछ चाहिए होता है मैं अपनी भाभी को फ़ोन बोलती हूँ कि भाभी मुझे ये चाहिए, तो अल्लाह मेरी भाभी को खुश रखे, सेहत दे, ज़िंदगी दे, वो फौरी मेरे लिए, भाई को बोलती हूँ तो वो मेरे भाई लोग दोनों वहाँ से मेरे लिए वो चीज़ ले आते हैं। जैसे कि ये ब्रश, ये जो आप बिटिंग ब्रश कहलाता है ये, जब हम, और ये कब भी वहीं से आया है, ठीक है, मैंने मंगवाया था भाभी से, कहा था तो भाभी ने, और ये इसके स्पून हैं कि आप इसको मिक्सिंग के लिए, या ये ब्रशेस है, ब्रशेस सेट लेकर आई भाभी ये मेरे लिए, ये पूरा एक सेट था जो मैंने अपनी भाभी से बोला कि मुझे मंगा के दें, और ये इसका स्पून है जिससे हम मेजरमेंट करते हैं डेवलपर की, और ये इसका कप है, बड़ा खूबसूरत सा कप है और बड़ा इसकी बड़ी अच्छी मटेरियल का बना हुआ है, और ये यहाँ पे जो मैं इस बिटर जो मैं मंगवाई थी, यहाँ पे मैंने बहुत ढूंढा मगर मुझे नहीं मिला, ये कलर बिटर कहलाता है, जब हम कोई कलर हेयर एप्लीकेशन का काम करते हैं, कलर फैशन शेडो, चाहे वो रूट टचिंग का काम हो, तो उस जब हम कलर निकालते हैं बाउल के अंदर और इसमें डेवलपर डालते हैं, तो हम इससे इसको मिक्स करते हैं, इसकी इससे इससे ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी इसकी मिक्सिंग होती है। और आपको पता है कि कलर के काम में मिक्सिंग ब्लेंडर जो डेवलपर है और कलर है, उसको हमने बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड करना होता है। जैसे आपका ये इस तरह का है और इसका बहुत अच्छा मटेरियल है इसका, कि जब हम जैसे आप अंडा भी बनाती होंगी तो अंडे को आप बीच करती होंगी ऐसे करके, इसी तरह हम कलर को और डेवलपर को इससे बीट करते हैं और इससे बहुत अच्छी इसकी मिक्सिंग हो जाती है। तो ये यहाँ पाकिस्तान में मिल नहीं रहा था, मैंने भाभी को बोला, भाभी ने मुझे ला के दिया, थैंक यू वेरी मच भाभी। आज ही मैंने ये सब वैसे तो मैंने यूज़ किया है, जब मैंने हेयर का काम कर रही थी, मेरे क्लाइंट आए थे तो मैंने इसको यूज़ भी किया, मगर मैंने चूके, मगर मैं इसको बहुत अपनी अपने टूल्स को मैं बहुत कदर से रखती हूँ, अपने टूल्स की मैं बहुत कदर करती हूँ, और मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करूं। और ये भाभी मेरे लिए लेकर आई थी, बहुत अच्छे ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं, ये देखें बड़े कितने खूबसूरत और सॉफ्ट हैं ये, बिल्कुल के बिल्कुल, अगर आप फाउंडेशन पे अगर आप रखें फिंगर डाल के या थंब डाल के, तो आपके थंब या फिंगर पे फिंगर के फेस पर निशान ना आए। तो ये ब्यूटी ब्लेंडर है और ये इसके स्पून हैं, और ये मेरी भतीजी लेकर आई थी, अल्लाह उसको खुश रखे। मेरे फैमिली वाले मेरे लिए वही चीज़ें लाते हैं जो मेरे सैलून में काम आए, मेरे प्रोफेशनल में काम आए। तो ये बहुत अच्छे बिन वैक्स हैं, इसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से वैक्स होता है और एक एक रूट के साथ बाल वैक्स हो जाते हैं। और ये मेरी भतीजी मेरे लिए ये लिपस्टिक्स लेके आई थी अलग से, और इसको मैं आपको स्वेच करके दिखाती हूँ, ये देखें बहुत अच्छा इसका शेड है, जैसे पीनट शेड होता है, बहुत खूबसूरत है, देखें मैं आपको करीब से दिखाऊं, बहुत खूबसूरत शेड है। आई लव यू वेरी मच मेरा बेटा, आपने थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इतना खूबसूरत शेड ला के दिया। और ये मेरी भतीजी लेकर आई थी, बड़ी भतीजी, ये हाइलाइटर, ये देखें बहुत खूबसूरत है ये हाइलाइटर, मैं यूज़ भी कर चुकी हूँ अपनी ब्राइड पे, पार्टी मेकअप में, और इसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी है। इसका भी स्वेच करके दिखाऊं,
ये देखें बिल्कुल मखमली है, और इसको यूज़ करने के बाद इसकी जो ग्लो आती है बहुत खूबसूरत आती है, नेचुरल ग्लो आती है। थैंक यू कायमा, आपने मुझे बहुत अच्छी चीज़ें गिफ्ट करी हैं। जीती रहिए, खुश रहिए। और ये मेरी भाभी मेरे लिए लेकर आई आईलाइनर टूल है ये। अगर जो जो मेरी न्यू कमर्स हैं, मेरी बहनें जो इस फील्ड में आ रही हैं, या घर में जो अगर आप लोगों से आईलाइनर सही से नहीं लगा पाते हैं आप लोग, तो ये इसका टूल है जिससे आप इसको सेट करके आप लाइनर या लिपस्टिक, इसके डिफरेंट इसके तरीके हैं इसको यूज़ करने के, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, एक ये मेरी भाभी लेकर आई थी, ये बेबी एप्रन है, बेबी हेयर कट करने का एप्रन है, बड़ा अच्छा है ये एप्रन भी। कि बच्चों की जब हम हेयर कटिंग करते हैं तो हम बच्चे को इस तरह का एप्रन पहनाती है, ये भी मेरी भाभी मेरे लिए लेके आई थी। मगर चूंकि जुलाई में ये लोग आए थे मेरे यूके से, तो मैं आप लोग को इस तरह के ये सेटिंग क्लिप भी बहुत सारे लेकर आई हैं, अभी मैंने यूज़ किया तो वो निकाले, में अभी एक ही मुझे मिला, तो मैंने कहा चलो मैं अभी इसको भी आपको दिखा दूँ। अच्छा, फिर ये मेरे लिए छोटी मोटी ज्वेलरी लेकर आई थी भाभी, अभी तक यकीन करिए पैक है, चूँकि मैं मेंटली डिस्ट्रेस में थी, डिस्टर्ब थी, मैंने यूज़ भी नहीं करी, भाभी की डेथ हो गई थी, बड़ी भाभी की डेथ हो गई थी। ये मेरी छोटी भाभी हैं जो मेरे लिए ये लेकर आती हैं, वो एक्चुअली मेरी भतीजी भी हैं और भाभी भी हैं। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भतीजी भाभी ये कैसा रिश्ता, तो मेरे हस्बैंड की तरफ से वो मेरी भतीजी है और मेरे सगी मेरी भाभी है, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास जो है बड़ा अच्छा पैलेट है जो मैंने भाभी से मंगवाया था बाहर से, ये कंसीलिंग एंड करेक्टिंग पैलेट है, ठीक है, इसको भी मैंने यूज़ किया है। ये देखिए करेक्टिंग एंड कंसीलिंग पैलेट है, इसको मैं आपको यूज़ करके बताऊंगी इंशाल्लाह, मगर मैं अभी इसको इंट्रो डाल रही हूँ कि आप लोग को पता चल जाए। इसमें कुछ कंसीलिंग शेड्स हैं और कुछ करेक्टिंग शेड्स हैं, ठीक है, और बहुत अच्छा, इसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगाने के बाद बहुत अच्छा फील आता है, नेचुरल फील आता है, ठीक है। ये हो गया कंसीलिंग का, और ये मेरी भतीजी लेकर आई थी लिपस्टिक पैलेट, ये देखें ये भी बहुत खूबसूरत है ये लिपस्टिक पैलेट, और इसके शेड्स बड़े खूबसूरत हैं। कैमा थैंक यू सो मच मेरी जान, आपने मुझे ये गिफ्ट किया, ये देखें, ये मैं यूज़ कर चुकी हूँ अपने क्लाइंट पर भी और मैं ख़ुद भी, आजकल मेरे शादी वादियों में आना जाना हो रहा है तो मैंने वहाँ पे यूज़ किया। इसमें वाइट कलर भी है, ब्लैक कलर भी है, और इन सब का, इन शेड्स का आप हैरत कर रहे होंगे कि इसमें वाइट कलर भी है और ब्लैक भी है, तो ब्लैक तो लिपस्टिक नहीं होती, वाइट भी नहीं होती, मगर इस वाइट और ब्लैक का बड़ा दखल होता है लिपस्टिक शेड्स को क्रिएट करने में। इन सब पे मैं आपको बताऊँ, ये इसका ब्रश है, ये मेरी भतीजी लाई थी और बाहर से। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, ये जो पैलेट है ये भी भाभी मेरी लेकर आई थी, ये भी लिपस्टिक पैलेट है, ये देखिए, ये भी मेरे पास ये लिपस्टिक पैलेट है, और इसमें भी वाइट, ब्लैक एंड डार्क ब्राउन, ठीक है, अब बाकी जो सिमेट्री कलर्स होते हैं ये वो हैं। तो ये अब आप सोच रहे होंगे, जैसे कि मैंने छोटे पैलेट में बताया, ये पैलेट इतना अच्छा है कि आप इसको अपने शोल्डर बैग में भी कैरी कर सकते हैं, कहीं भी जाना, ढेरों लिपस्टिक ना डालें, आप ये पैलेट डाल लीजिए और आप अपने सफ़र पे निकल जाएं, चाहे आप कहीं रहने जा रहे हों, चाहे आप ऑफिस गोइंग हों, तो आप लेके डाल सकते हैं अपने शोल्डर बैग में। ये बड़ा बड़ा मिनी सा, बड़ा क्यूट सा है, और इसमें 12 शेड हैं ये, और इसके जो हैं देख लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 शेड्स हैं। ये प्रोफेशनल पैलेट कहलाता है लिपस्टिक पैलेट, और इसको भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि कैसे लिपस्टिक को हम डार्क करते हैं और कैसे हम लिपस्टिक को हम लाइट करते हैं। ये एक्चुअली प्रोफेशनल पैलेट होते हैं जो कि हर मेकअप आर्टिस्ट के पास होते हैं, तो ये मैंने मंगवाया था भाभी से और मैं इसका भी आपको यूजेज बताऊंगी। तो ये सब मैं चीज़ें मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूं। तो ये था मेरा आज का रिव्यू, और थैंक यू सो मच भाभी भाई, जो मेरे भाई बाहर होते हैं, दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, भाभी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, और मेरा बेटा मेरे लिए वॉलेट लेकर आया था,
और ये देखिए मेरा बेटा मेरे लिए वॉलेट लेकर आया था। आई लव यू मेरी जान, थैंक यू सो मच। ये देखिए कितना खूबसूरत वॉलेट है मेरा बेटा, वो यूके से, हालांकि मेरा बेटा स्टूडेंट है मगर फिर भी लेकर, इसमें इतनी अच्छी कैपेसिटी है कि मैं इसमें अपना मोबाइल, अपने घर की चाबियाँ, मैं और पैसे, कार्ड्स वगैरह मैं इजीली रख सकती हूँ और बहुत अच्छी कैपेसिटी है इसकी। तो ये मेरा बेटा लेकर आया था। और हाँ ये देखिए, ये है मेरे पास हेयर एक्सटेंशन, और ये भी मैं आपको लगाना बताऊँगी। जैसे फॉरहेड के पास से बाल थिन हो जाते हैं, वॉल्यूम ख़त्म हो जाता है, इसकी एप्लीकेशन भी मैं आपको करके बताऊंगी कि ये हेयर एक्सटेंशन जो है हमने इसको कैसे लगाने होते हैं, ये भी मैं आपको शेयर करूंगी। और ये बहुत अच्छी चीज़ें निकल आई हैं कि जिन बहनों के बाल कम होते हैं, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम कम होता है, उसको हम हेयर एक्सटेंशन से उनके वॉल्यूम को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ये सब इन सब चीज़ों से होता है। और लगता है कि नेचुरल आपका हेयर ग्रोथ हुआ हुआ है अब नेचुरल बिल्कुल। ये मैं आपको चले मैं खोल के दिखाई देती हूँ। ये देखिए बड़ा अच्छा एक्सटेंशन है, ये भाभी मेरे लिए लेकर आई थी। और क्योंकि भाभी जानती हैं कि मेरा सैलून का काम है, और तो भाभी ने मुझे ये ला के दिया था। ये देखिए जी, फ्रंट पे जो कान के ऊपर के बाल कम होते हैं और अगर किसी का वॉल्यूम कम है, तो ये इसको हम किस तरह इसको अप्लाई करेंगे वो मैं इंशाल्लाह जैसी कोई इस तरह की मुझे मॉडल मिली तो मैं उसके लगा के बताऊंगी। तो फिर आपको मैं दिखाऊंगी कि इसकी एप्लीकेशन कैसे होती है। देखिए ये पीछे कॉम्ब बने हुए हैं इसके, नज़र आ रहा होगा आपको। फिर ये टिक टक वाले ये क्लिप है, ये टक क्लिप कहलाते हैं। ये इस तरह का ये हेयर है और नेचुरल बाल हैं ये, कोई सिंथेटिक नहीं है और बिल्कुल ओरिजिनल बाल हैं ये बिल्कुल। तो इसको भी मैं आपको सेट करके बताऊंगी। ये सब आया हुआ था, बस डिस्टर्ब थी, नहीं आपको बता पाई, दिखा पाई, आपसे शेयर कर पाई। और इंशाल्लाह इन सब की मैं वन बाय वन करके इन सब की मैं आपको एप्लीकेशन भी बताऊँगी कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो ये था मेरा आज का रिव्यू। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को प्रेस कीजिए। मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, बने रहिए। आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रिफत मैकब्लेस से अल्लाह हाफिज़।